ओके सो सर बातचीत स्टार्ट करते हैं। हाँ सर प्लीज स्टार्ट। डिटरमिनेंट्स, इस चैप्टर में अपने को यह पता होना चाहिए कि अब ज्यादातर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। क्या आएंगे? वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस, जहां अपने को किसी डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना होगा। नंबर वन वैसा क्वेश्चन, या नंबर टू जहां हम लोगों को एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, आप लोगों को याद होगा हम पहले आप लोगों को बताया था कि एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस दिया हुआ रहेगा विच इज ऑफ मोर देन टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स वाला इक्वेशंस को तो सर आप उसको साइमल्टेनियस के थ्रू भी कर सकते हो, बट व्हाई इज डिटरमिनेंट्स और मैट्रिसेस यूजफुल? बिकॉज वो आपको सॉल्व करने में मदद करता है प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मोर देन टू वेरिएबल्स। बराबर? हाँ सर बराबर। इसी लाइट में अपने लोग मार्टिन्स रूल, आई रिपीट, मार्टिन्स रूल पढ़ने वाले हैं, जिसको मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं, ऑफ इवेल्युएटिंग द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, राइट? ठीक है, वो तो जैसे जैसे चलेंगे अपने लोग तो वैसे वैसे बात होगा। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ऑब्वियसली विदाउट इट वी कैन नॉट यू नो मूव एनीवेयर। सर कुछ डिटरमिनेंट्स की वैल्यूज लिख रहा है, प्लीज नोटिस करिएगा। ऑल राइट सर बोलिए। मानिए, अच्छा डिटरमिनेंट्स में ना ऐसे स्ट्रेट लाइन होता है, वो जो ब्रैकेटेड फॉर्म आप देते थे ना वो नहीं दोगे इसमें, ठीक है ना? अब मान लो कि हम एक 2x2 डिटरमिनेंट बना रहे हैं। डिटरमिनेंट्स में ना याद रखना आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में डील करते हो। किसमें डील करता है सर? स्क्वायर मैट्रिक्स में। डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस में ना जनरली आप लोग स्क्वायर मैट्रिक्स में डील करते हो। स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब सेम नंबर ऑफ रोज इन कॉलम्स, राइट? ओके, आओ एक मैट्रिक्स दिखाता आपको, 8 10 2 3, ये एक मैट्रिक्स आपको दिखाया, राइट? सो हाउ वुड यू इवेल्युएट दिस डिटरमिनेंट माय डियर फ्रेंड्स? सर इवेल्युएट करने का तरीका है जस्ट क्रॉस। मतलब सर कहना क्या चाहते हो? कहने का मतलब आप लोगों को ये है कि जब हम बोलते हैं क्रॉस, तो इसका मतलब ये है कि पहले यहां से यहां, पहले 8 से 3 की तरफ जाओ नंबर वन, फिर जो भी है -2 से 10 की तरफ जाओ। इस तरह से क्रॉस करना है अपने को। अच्छा हाँ सर, तो बेसिकली आपका आएगा क्या सर, अगर आप लोग कैलकुलेट किए तो आपका आएगा 8 into 3 - 2 into 10, विच इज ऑब्वियसली 24 - 20, विच इज 4। सो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 4। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 4 एंड द डिटर्मिनेंट हैज बीन सॉल्व, राइट? ये तो जिस बारे में आपसे बात कर रहा, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स गोइंग ऑन। आई रिपीट, दीज आर वेरी बेसिक थिंग्स गोइंग ऑन, राइट? ओके सर, चीजें थोड़ी सी, आई रिपीट, चीजें थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनती है कब? कब? जब आप लोग चलते हो आगे आगे, इन द सेंस जब आप लोग बात करते हो 3x3 मैट्रिक्स का या 3x3 डिटर्मिनेंट का इशू से। ये देखो इसमें ना एक बार हम अलग अलग अल्फाबेट्स लेकर समझा रहा आप लोगों को। ओके, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। तो सर बात ऐसा है ना कि जब भी आपको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, अच्छा अभी हम प्रॉपर्टीज के बारे में बात नहीं कर रहे, प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेगा आज ही के क्लास में। पहले हम बोल रहे हैं कि मान लो हमको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है, राइट? तो सर द तरीका इज, आप किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम को पकड़ोगे, फिर से बोल रहा है, किसी भी एक रो और किसी भी कॉलम को पकड़ोगे। और आप लोगों को क्या नहीं भूलना है सर, आप लोगों को ये नहीं भूलना है, जैसे बचपन में अपने लोग मार्च पास्ट करते थे ना स्कूल में, तो क्या आता था, लेफ्ट राइट लेफ्ट, वैसे यहां पर प्लस माइनस प्लस का रूल चलता है। क्या? प्लस माइनस प्लस का रूल चलता है, ठीक है ना? हाँ सर समझ में आ रहा है। जैसे वहां पर प्लस माइनस प्लस लिखा, वैसे यहाँ पे भी ये माइनस ये प्लस, मतलब समझ रहे हो, ऑल्टरनेट होना चाहिए। कभी भी दो कंसेक्यूटिव प्लस नहीं आएगा या दो कंसेक्यूटिव माइनस नहीं आएगा, बस इतना सिंपल सा ट्रिक याद रखना है। तो कोई ये ना बोले मेरे को कि सर ये बात तो बहुत टफ हो रहा है आपका। नहीं सर बिल्कुल भी टफ नहीं हो रहा है मेरा, बात बहुत ही बेसिक बात चल रहा है। आई से अगेन कि अगर एक 3x3 डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालना है अपने को, तो अपने को सबसे पहले दिमाग में ये सेटल रहना है कि कोई भी एक रो और कॉलम पकड़ना है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कोई भी एक रो और कॉलम पकड़ लीजिए आप, जो आपका मर्जी, और इस पैटर्न को मत भूलिए। जैसे लेफ्ट राइट लेफ्ट होता है, जैसे प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है? हाँ सर ठीक है। एंड नाउ कम्स द इवेल्युएशन फॉर्मूला। मान लीजिए, अच्छा अब आप लोग सबको मालूम है, और अगर नहीं मालूम है तो लेट मी टेल यू अगेन, इसको बोलते हैं रो वन रो टू रो थ्री, बराबर? और जहां तक बात कॉलम का है, जहां तक बात कॉलम का है, तो ये कॉलम वन, ये कॉलम टू,
और ये कॉलम थ्री, बराबर? हाँ सर बिल्कुल सही कहते हो आप। तो दोस्तों ये है रोज और कॉलम्स का। नाउ व्हाट वी आर एक्सपेक्टेड टू डू इज टू सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम। मान लें आप मान लें कि आप लोगों ने सिलेक्ट कर लिया। सर क्या सिलेक्ट कर लिया आप लोगों ने? लेट्स से फर्स्ट रो सिलेक्ट कर लिया, एक एग्जांपल के तौर पर बोल रहे हैं। तो फर्स्ट रो है ना, तो आप देखिए सबसे पहले क्या आ रहा है, ए आ रहा है फर्स्ट रो में। अब ए के बगल में साइन कौन सा है? प्लस है ना, तो बस आप ए लिखोगे, बस बात खत्म। अभी सुनने का, अभी सुनने का, अभी ध्यान से सुनने का। हाँ सर बोलिए। अब आप लोग ऐसा मानोगे, कैसा सर? ऐसा मानोगे कि ए जिस रो में है और ए जिस कॉलम में है, यानी कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एग्जिस्ट ही नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार काट के भी आप लोगों को दिखा दे रहा है, एक बार काट के भी आप लोगों को दिखा दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब ए, ए को पकड़े ना आप, तो फर्स्ट रो खत्म, फर्स्ट कॉलम खत्म। तो सर बचा क्या? सर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोगों के पास बचा ई एफ एच आई। तो बस अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब ई इंटू आई विच इज ई आई माइनस जो बच गया एफ इंटू एच एफ एच, बस बात खत्म, बस बात खत्म। रुकिए बस, अब हम ये जो हटाया था, मतलब लाल लाइन बनाया था, अब हटा देता क्योंकि इसका लाइन लाल लाइन का काम हो गया। ऑलराइट, हाँ सर वेरी गुड। अब सर आगे बात करिए आप दोस्तों, अगर आगे बात करें, अब आपको आपने क्या सिलेक्ट किया था? फर्स्ट रो सिलेक्ट किया था ना, अब आपको क्या दिखाई पड़ता है? सर हमें बी दिखाई पड़ता है। बी के सामने क्या साइन दिखाई पड़ता है? सर हमें माइनस बी दिखाई पड़ता है, माइनस दिखाई पड़ता है। तो बस आप माइनस बी लिखिए, अब आप माइनस बी लिखिए, लिख दिए। अब वापस से अज्यूम कीजिए कि बी जिस रो और जिस कॉलम का हिस्सा है वो खत्म हो चुका है, तो जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब जैसे 2x2 को करते हैं, ऊपर में दिखाया हुआ है, तो डी आई माइनस एफ जी। क्या? डी आई माइनस एफ जी, सही कहते हो सर। तो बस डी आई माइनस एफ जी करो आप लोग, डी आई माइनस एफ जी, बराबर? हाँ सर बराबर। चलो वापस से ये रेड वाला को हटाओ, आगे बात करो सर। सर अगर आगे बात करें तो अब आ गया सी। अब दोस्तों लास्ट में आ गया सी, अब आप लोग लिखोगे क्या? प्लस सी, बराबर? हाँ सर बराबर। अब जब आप लोग लास्ट में प्लस सी लिख लिए, तो अब देखो ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या? डी एच और ई जी, करेक्ट? तो डी एच माइनस ई जी, क्या बचेगा? डी एच माइनस ई जी, बराबर सर? डी एच माइनस ई जी, बस सब खत्म। नाउ इफ यू आर गिवन द वैल्यूज, आप लोग केवल वैल्यू बैठाओगे एंड यू विल अराइव एट योर आंसर। आप लोग ओहो केवल वैल्यूज बैठाना है एंड यू विल अराइव एट योर आंसर, है ना? हाँ सर सही बोला। सो दैट इज इट, दैट इज द मेन थिंग यू नो टू बी कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है ना? दैट इज द मेन थिंग टू बी कंसर्न्ड अबाउट, ठीक है? ये होता है जिस तरह से सॉल्विंग चलता है, ठीक है? ये होता है जिस तरह से सॉल्विंग चलता है। लेकिन बात क्या सिर्फ इतना ही है? नहीं, पहले आइए हम आप लोग को बता देते हैं कि वॉट इज टू बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट एज पर अवर रिवाइज सिलेबस, ठीक है ना? वॉट इज टू बी कंसिडर्ड इम्पॉर्टेंट? सर सबसे पहले हम आप लोग को बता दें, सबसे पहले तो आप लोगों को वैल्यू निकालना आना चाहिए, जो अभी हम ऊपर में सिखाया वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना आना चाहिए, नहीं तो चैप्टर ही बेकार है आपके लिए, ठीक है? हाँ सर, वैल्यू निकालने के बाद अगर हम बात करें तो हालांकि ये इससे अब क्वेश्चन आएगा नहीं, आई फील सो, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाएगा आज की क्लास में, वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। होल्ड ऑन, जो हम आपको सिखाएगा आज की क्लास में वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी। सिखाएगा मतलब केवल बता के छोड़ देगा, है ना? एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड कोलिनियरिटी। सर उसके बाद एक कंसेप्ट है मार्टिन्स रूल, मार्टिन्स रूल, जिसको आप लोग, जिन लोग मार्टिन्स रूल के नाम से नहीं समझते उन लोग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस के नाम से समझोगे। तो सर आप लोग को वो सिखाने वाला है सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की, एक लीनियर इक्वेशन का सिस्टम को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऑल राइट, एंड देन इवेंचुअली जिसका सभी कोई वेट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट एंड एसोसिएटेड क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में आए हैं। यहाँ पर हम जो भी क्वेश्चन आज करेगा ना, एक बार बोल दे रहे हैं, बार बार हम रिपीट नहीं करेगा इस बात को, हर कोई बोर्ड्स में आया है, एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन आया है या एग्जैक्टली वैसा क्वेश्चन नहीं तो नंबर चेंज करके आया है, बट आया है डेफिनेटली। तो मेरा पर्पस वही कवर करने वाला होगा। अच्छा सर, हाँ सर ऐसी बात है। ऑल राइट सर, सर आगे बढ़िए, ठीक है सर। देखो वैल्यू वाला बात जहां तक है, ये रहा ऊपर में बेसिक कंसेप्ट, में आपको वैल्यू के बारे में बता चुका है ना सर। अभी थोड़ा सा इच्छा है कि आप लोगों के साथ एरिया का बात कर ले, एरिया का बात कर ले। सर बताइए कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकलता है? एरिया मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हेन आई से एरिया आई मीन एरिया ऑफ ट्राइंगल। सर कैसे निकलता है जरा बताइएगा? इसके लिए 3x3 मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा मान लो तीन ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट्स आप लोग को दिया हुआ है, एक एग्जांपल ले रहा है ना।
हाँ जैसे 2,3 ठीक है ना, फिर बी का है 4,5, सी का है 6,7, एक एग्जांपल लिया, ये कोऑर्डिनेट्स है ना जहां पे पॉइंट्स लोकेटेड है। सो लेट मी टेल यू समथिंग कि एरिया कैसे निकलता है। सर एरिया निकालने का तरीका है, एरिया निकालने का तरीका है, इसको सबसे पहले ना जनरल फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, इंस्टेड ऑफ नंबर्स ए बी सी डी और ई एफ, इसको आप लोग नंबर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो। सर कर दिया, अब बताइए ये देखो अब क्या है आप लोग का, सर ए बी है, ए बी हटाओ सी डी ई एफ, एक के नीचे एक लिख रहा है, देखो कैसे सारा एक्स कोऑर्डिनेट्स एक तरफ, सारा वाई कोऑर्डिनेट्स एक लाइन में, अगर कोई नोटिस कर रहा है तो ध्यान से ये चीज नोटिस कर रहा हो। सर लेकिन आप एक जगह खाली किसके लिए छोड़े, उधर पे वन 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 लिखना, उधर पे वन 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 लिखना, बराबर सर लिखा, और बाहर में हाफ मल्टीप्लाई करना, बाहर में हाफ मल्टीप्लाई करना। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि ये जो डिटरमिनेंट दिया हुआ आप लोग का बॉक्स में, जो डिटरमिनेंट बनाया हुआ है, पहले आप लोग इसका वैल्यू इवेल्युएट करिए, जो वैल्यू या आई शुड से जो आंसर है आप लोग का, उस आंसर से हाफ मल्टीप्लाई कर दो आप लोग। आई से अगेन, जो आंसर आया आप लोग का उस आंसर से आप लोग हाफ मल्टीप्लाई कर दो, सर आपका काम बन जाएगा। सही है सर, समझ में आ गया। अच्छा सर एक बात और बताना कि अभी तो खैर आप हम लोग से प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट डिस्कस नहीं कियो, बट मान लो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मेरे को प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट यूज करना पड़ा, तो क्या सर हम यूज कर सकता है? डेफिनेटली यूज कर सकता है, डेफिनेटली यूज कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? कर सकता है। अच्छा हाँ सर, हाँ सर गुड, तो ये बात है। अच्छा एक और बात, एक और बात सर, जब आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया ही है तो लगे हाथ एक बात और बता देता है। अब आपको पूछ, कभी कभी ये लोग दे सकता है कि एक काम कर, यही तीनों पॉइंट्स को, यही तीनों पॉइंट्स को प्रूफ कर दे कि ये लोग ट्रायंगल नहीं, ये लोग कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, सेम लाइन पर ये लोग लाई कर रहा है तीन पॉइंट्स। तो सर अगर कोलिनियरिटी प्रूफ करना है ना, लेट मी टेल यू, आप लोग को सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल्स ही यूज करना है आप लोग को। अच्छा हाँ सर, लेकिन सर फिर फर्क क्या रहेगा? फर्क ये रहेगा कि यही एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आप लोगों का जीरो आ गया, क्या आ गया सर? जीरो आ गया। अगर एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लोग का जीरो आ गया सर, देन यू विल हैव इट, व्हाट आई मीन टू से इज कि आपका सम खत्म हो जाएगा फिर। सर आप बात तो ठीक कह रहे हो, सर आप बात तो ठीक कह रहे हो, समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, सर समझ में तो आया। ओके अब आइए एक एरिया ऑफ ट्राइंगल्स के ऊपर क्वेश्चन करें हम लोग, बोलने का जरूरत नहीं है, फिर से बोल याद दिला दे रहे हैं कि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, तो प्लीज मेक श्योर कि हर कोई ध्यान से सुन रहा हो। ऑल राइट हाँ सर, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट के साथ आप लोग को प्रेजेंट कर रहे हैं। लेट के बी एन इंटीजर, के को एक इंटीजर मान लें आप लोग, ये लोग बोल रहे हैं ऐसा, सच दैट के एक इंटीजर है ना, हाँ सर सही है, सच दैट ट्रायंगल विथ वर्टिसेस, विथ वर्टिसेस के कॉमा -3 के, 5 कॉमा के, 5 कॉमा के एंड -k,2 एंड -k,2, ये -k है ना, हाँ सर, हैज एरिया 28। सो बेसिकली अपने लोगों को ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ हैज एरिया 28 स्क्वायर यूनिट्स, राइट, एरिया तो ऑब्वियसली स्क्वायर यूनिट्स में ही होगा, ठीक है। हाँ सर अपने को बोला फाइंड के, अपने को बोला भाई फाइंड के, क्या कर, के निकाल के बता, अपने बोला ओके, अपने बोला ओके। अभी सुनना कैसे अप्रोच करोगे आप इस क्वेश्चन को, जरा सुनिएगा बात। सर बोलिए देखिए आप लोग को एक बात एक्सेप्ट करना होगा, इसको आप लोग डिनाई नहीं कर सकते, एंड व्हाट इज दैट सर? सर वो बात ये है कि भाई ये जो एरिया 28 दिया हुआ है ना आपको, वेरी वेरी गुड, लेकिन एक बात एक्सेप्ट कर लीजिए, वो क्या सर? सर वो ये एक बात जो आपको एक्सेप्ट करना है वो ये है कि ऐसे क्वेश्चंस में जब आपको के निकालना है ना कि एरिया, सुनो अगर एरिया निकाल दिया आप तीनों को यूज करके,
अगर एरिया की वैल्यू नेगेटिव आई तो आप बोलोगे कि नहीं भाई एरिया नेगेटिव नहीं हो सकता, तो आंसर विल बी पॉजिटिव। लेकिन यहां पर आपको एरिया थोड़ी निकालना है, एरिया तो दिया हुआ है, आपको के निकालना है। अरे साहब के पॉजिटिव भी हो सकता है, माइनस नेगेटिव भी हो सकता है। अब क्योंकि के पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, तो जो आप इक्वेट करके 28 लिखोगे ना, उसको प्लस माइनस 28 लिखोगे। क्या लिखेगा? प्लस माइनस 28। सर आप क्या बोल रहे हो, जरा लिख कर बताओ। लिख कर बता रहे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, होल्ड ऑन, मैं बोल रहा हूं कि यहां पे इसके अंदर के माइनस 3k, 5k, माइनस के 2, 1, 1, 1, ठीक है? तो हाँ सर ठीक है, आगे इसको एक्सटेंड कर दीजिए और बाहर में, और बाहर में हाफ लिखिए, ठीक है ना? बाहर में आप लोग हाफ लिखिए, ठीक है? अब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एरिया दिया हुआ है यहाँ पर। नॉर्मली आप लोग बोलोगे कि सर इज इक्वल्स टू 28 लिखिए, क्योंकि एरिया इज इक्वल टू 28 दिया हुआ है। हम बोला सही है, ऑर्डिनरी केसेस में होगा सही, लेकिन यहाँ पर एक कैच है। और सर वो कैच क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वो कैच ये है कि भैया यहाँ पर आप लोगों का इस क्वेश्चन के अंदर प्लस माइनस 28 लिखना होगा। सर क्यों? क्योंकि आपको के निकालना है। आप लोग समझो, जब एक बार ऐसे सोचो कि जब एग्जामिनर एरिया 28 निकाला होगा, तब उसका हो सकता है कि प्लस 28 और माइनस 28 आया होगा, लेकिन क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिवली स्टेट होता है, तो वो प्लस 28 आपको दिया होगा। लेकिन ये बात आपको भी तो रियलाइज करना होगा ना, तो जब आप इक्वेट करोगे तब आप 28 नहीं लिखोगे, क्योंकि आपको के का वैल्यू निकालना, प्लस माइनस 28 लिखोगे। जितना बात बोला सबको समझ में आया क्या? अगर सबको समझ में आया तो प्लीज अपना मैसेज के थ्रू कंफर्म करिए। ऑल राइट, गुड, वेरी गुड। सम अदर फ्रेंड्स आर येट टू रिस्पॉन्ड, दोस्तों रिस्पॉन्ड करें प्लीज। ऑल राइट, गुड, यस सर, ओके, यस सर, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। तो चलो सर, आप लोग में से काफी लोगों को समझ में आ गया, गुड टू सी दैट। चलो सर आगे बढ़े, अभी ध्यान से देखना। और कुछ लोग अगर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, अगर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करेगा ना, सो मेक श्योर कि आई विल नॉट बी एबल टू टेक योर डाउट्स ऑल्सो। अगर आप लोग ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो कि यस सर है या क्लियर है सर, तो जब आपका डाउट्स आएगा आई वुड बी सींग योर मैसेजेस ऑल्सो। सो मेक श्योर कि अटेंशन चाहिए तो मेरे को सबका चाहिए, ठीक है? इट कैन नॉट बी अ वन साइडेड अफेयर। ओके, सो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्लस माइनस 28 आप लोग लिख लिए, ठीक है ना? अभी ध्यान से सुनने का। अब आप लोग को पता है कि व्हाट शैल वी डू। अब अपने को करना क्या है, कोई भी एक रो या एक कॉलम को पकड़ना है। क्या? कोई भी एक रो या एक कॉलम को अपने को पकड़ना है, वी हैव टू ब्रेक इट। सर किसको पकड़ना चाहिए? हम बोला यार देखो कुछ भी करो, मेरा जो प्लान है मालूम है क्या? मेरा प्लान है कि ये लास्ट वाला रो को पकड़ लो, 111 वाला को। इससे क्या है, 111 रहेगा ना, तो बाहर वाला झमेला नहीं रहेगा। सर बात तो आप ठीक कहते हो। तो देखो ध्यान से देखना। सर बोलिए, देखो हाफ तो वैसे का वैसे रहने दो, फिर ये ब्रैकेट खोलो। हाँ ये मैट्रिसेस का साइन नहीं है, अब हम सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। तो देखो प्लस माइनस प्लस है, तो ये पहला वन के साथ प्लस एसोसिएटेड है। अगर पहला वन के साथ प्लस एसोसिएटेड है वन, तो सुनना भी, अब क्या होगा, 5 into 2 10 माइनस, अब दोस्तों माइनस के इंटू के करोगे। सर नहीं समझ में आया, आप क्या कर रहे हो? ओके अब हम समझाते हैं। देखो दोस्तों हम क्या किया, इस वन को पकड़ा, तो इससे एसोसिएटेड रोज और कॉलम्स को भूल जाना पड़ता है। ये देखो भूल गया था, काट दिया देखो, तो 5 into 2 10 आया ना। ओह सर समझ में आया। और वैसे ही माइनस के इंटू के माइनस के स्क्वायर, लेकिन बीच में क्योंकि माइनस है सो इट विल इवेंचुअली बिकम प्लस एंड दी अल्टीमेट थिंग विल लैंड अप टू बीइंग प्लस के स्क्वायर। वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सर आगे बात करो आप। ओके आगे बात करता है। अभी देखो, अभी हम नेक्स्ट वन को पकड़ेगा। नेक्स्ट वन को पकड़ेगा मतलब कौन सा वन? जो ठीक नीचे वाला वन है, दिस वन है ना, इसको पकड़ा। अब यार आप लोग को पता है प्लस माइनस प्लस वाला टोन सर चलाने बोले हैं, तो अब इसका कोएफिशिएंट माइनस वन है,
सर बराबर बात करते हो आप यार, अगर हम लोग बराबर बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग को करना क्या, ये भूल जाओ ये भूल जाओ, तो नेचुरली आप लोग देखो ना आप लोग कहाँ पहुंच रहे हो। सर हम लोग का पहुंच ऐसा है कि हम लोग लिख रहे हैं 2k और माइनस के इंटू माइनस 3k, 3k स्क्वायर प्लस 3k स्क्वायर हो गया और बीच में माइनस देना होगा तो 3k स्क्वायर बराबर। इससे क्या है आप लोग का एक्सपेंशन वाला चीज भी प्रैक्टिस हो रहा है एंड ऑब्वियसली एरिया वाला का सम भी खत्म हो रहा है। गुड, सो ये हो गया लॉजिक सर। ऑल राइट सर, इसको हटाएं आप, अब इसको आप हटाएं, अब हटा दिया दोस्त, आगे बोलो। अब सर आप लास्ट वन पकड़ोगे है ना सर? हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, लास्ट वन पकड़ा। अब यार कम ऑन, सबको पता है कि k into k, k square बोलने वाले हैं सर, और माइनस 5 into माइनस 3 के माइनस 15 के माइनस माइनस 15 के यानी कि प्लस 15 के, ठीक है ना? हाँ सर, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 28, प्लस माइनस 28, प्लस माइनस 28, सही है? हाँ सर सही है, जगह नहीं था इसलिए नीचे में प्लस माइनस 28 लिखा। व्हाटएवर द केस में भी नाउ कम ऑन, आप लोगों को पता है कि 1/2 उधर जाके 56 हो जाएगा बराबर। हाँ सर हमें ये बात तो पता है, तो 1/2 को यहां से हटाई दो ना, जबरदस्ती का एक स्टेप क्यों बढ़ा के दिखाएं आप लोगों को, तो प्लस माइनस 56 हो गया, वो 1/2 है तो उधर जाके इंटू 2 हो गया। सर सही कहते हो आप, आगे बोलो सर। अब इसको सॉल्व कर रहा है तो 1 × 10 प्लस के स्क्वायर, बढ़िया, माइनस 1 × 2k माइनस 2k माइनस माइनस प्लस 3k स्क्वायर प्लस 1 × k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर एंड ऑब्वियसली प्लस 1 × 15k प्लस 15k, ऑल दिस इज इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस 56, राइट? हाँ सर बिल्कुल सही है, तो k स्क्वायर 3k स्क्वायर 4k स्क्वायर और 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना होता है 5k स्क्वायर बराबर। हाँ सर बराबर 5k स्क्वायर, आगे बोलो सर। 15k माइनस 2k यानी कि 15k माइनस 2k यानी कि 13k बराबर सर। और यहां पर मेरे को जो नजर आ रहा है वो सिर्फ प्लस 10 नजर आ रहा है, तो सिर्फ प्लस 10 हम लिखकर लिख दिया इक्वल्स टू प्लस माइनस 56। यहां से सर दो बातें हो सकती है क्यों? क्योंकि एक बार हम प्लस 56 के साथ लिखेगा, एक बार हम माइनस 56 के साथ लिखेगा, तो दोनों बातों को लिखिए ना सर। 5k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10 इज इक्वल्स टू 56 एक बात, और दूसरी बात 5k स्क्वायर माइनस 13k प्लस 10 इज इक्वल्स टू माइनस 56 सर बराबर। हाँ सर बराबर, सर बराबर, और बोलो सर आप, चलो बताता और सुनना ध्यान से। हाँ सर बोलिए। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें, ऑब्वियसली मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो सॉल्व करेगा, इसका कोई टोटका नहीं है जो हम आपको बता सकता है, राइट? हाँ सर ठीक बोलते, तो सर चलो बताओ आप, सर चलो बताओ आप, अभी ध्यान से देखने का आप लोग का है ना। 5k स्क्वायर माइनस 13k 56 इधर आ गया, तो यानी कि 10 माइनस 56 हो गया, यानी कि दैट विल इवेंचुअली गिव अस माइनस 46 इज इक्वल टू 0। सर सही कहते हो, और एक और भी है, वो क्या है सर? और आप लोग बोल सकते हो 5k स्क्वायर माइनस 13k माइनस 56 इधर आ गया, तो प्लस 66 इज इक्वल टू 0 बराबर। सर बराबर, सर बराबर, आगे बोलो सर आप। तो दोस्तों बात अब आगे बोलने के लायक यही बचा कि भाई मिडिल टर्म से सॉल्व करो, मिडिल टर्म से सॉल्व करो। एक ठो को करके दिखा रहा है, सिर्फ एक ठो को सॉल्व हम करके दिखा रहा है पहले वाले को। एक्सक्यूज मी, हाँ सर। तो देखो 5 × 46 क्या होता है अपने लोग का 5 × 4 = 20 230, राइट? 230 अपने को ऐसा नंबर चाहिए जिसको कुछ भी माइनस करके माइनस 13 आए एंड ऑब्वियसली प्रोडक्ट उनका 230 आए। तो सर सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। आप लोग भी बताएं मेरे को कि ऐसा कौन सा दो नंबर है जो आप लोग सोच रखे हो। देखो मिल गया 23 और 10 है ना, 23 और 10 ऐसा दो नंबर है सर जिसको मल्टीप्लाई करके 230 आएगा, जिसको मल्टीप्लाई करके 230 आएगा, और अगर हम माइनस 23 प्लस 10 करें तो माइनस 13 भी आ जाएगा। सर सही कहते हो, तो 5k स्क्वायर माइनस 23k प्लस 10k माइनस 46 इज इक्वल टू 0। बस सर अब बेसिक गेम बचा है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है सर करने को, ठीक है ना? तो सर व्हाट वुड यू राइट? के यहां पर ब्रैकेट में 5k माइनस 23 और प्लस यहां पर क्या बचा आपके पास? यहां पर सर हम लोग के पास बचा, लेट्स सी, 2 बचा सर, 2 बचा क्या? हाँ सर 2 बचा आपके पास, लेट्स सी। तो 2 बचा, तो अपने पास यहां पर क्या आया,
5k माइनस 23, ठीक है, देख लो, ठीक है, इज इक्वल्स टू जीरो। बस चेक कर लेना कि कहीं पे सेवी मिस्टेक कुछ अपने लोग ना करते, है ना। हाँ सर, अदरवाइज इट्स फाइन। तो ठीक है, तो आप लोग का दो वैल्यूज आ सकते हैं, एक k प्लस टू और एक 5k माइनस 23 इज इक्वल्स टू जीरो। तो देखो दो बातें, पहला तो 5k माइनस 23 जीरो है, तो 5k 23 के बराबर है, यानी कि k 23/5 है, यानी कि k 23/5 बराबर, या फिर k प्लस टू जीरो के बराबर है तो k माइनस टू है। तो नेचुरली अगर ऐसा सिनेरियो के बारे में बात करें दोस्तों, तो आपका k का वैल्यू आप क्या लोगे? सर हम लोग माइनस टू लेगा। सर क्यों? तो 23/5 में आपको क्या प्रॉब्लम है? ऊपर में चेक कर लो क्या लिखा था, k इज एन इंटीजर। इंटीजर कभी भी फ्रैक्शनल ऑब्वियसली नहीं होता है, इंटीजर है मतलब प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, कुछ भी हो, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि इट इज अ होल नंबर, राइट। -3, -2, -1, -2, -3, इट शुडंट बी फ्रैक्शनल और डेसिमल, राइट, वो फिर इंटीजर नहीं होता है सर। हाँ सर, अब वैसे ही आप लोग सुनो, तो यानी कि k का एक वैल्यू आप लोग निकाल लिए माइनस टू, वैसे ही k का दूसरा वैल्यू भी हो सकता है अगर आप दूसरा इक्वेशन सॉल्व करो। हम श्योर है कि यहाँ पर क्राउड जो भी मौजूद है इतना सबको आता होगा सर, इतना सबको आता होगा। हाँ सर आता है। चलिए अब बात करते हैं फाइंडिंग इनवर्स का। किसके बारे में बात करेंगे सर? अब अपने बात करेंगे फाइंडिंग इनवर्स। आप लोग को याद होगा, और नहीं याद है तो लेट मी हेल्प यू आउट हियर। दो मैट्रिसेस बोल लो, है ना। सबसे पहले तो इनवर्स का जब भी हम लोग बात करेगा ना, इनवर्स का जब भी बात करेगा, ये डिफॉल्ट याद रखना कि अपने बात स्क्वायर मैट्रिक्स का कर रहा है, उसमें टाइम मत वेस्ट करना आप लोग प्लीज। अपने लोग स्क्वायर मैट्रिक्स का बात कर रहे हैं, बस बात खत्म, फुल स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है। हाँ सर ठीक है, अब आप लोग को पता है। अच्छा तो सर अभी हम लोग मैट्रिसेस के बारे में बात कर रहे हैं। जी हाँ, डिटरमिनेंट्स में क्यों कर रहे हैं फिर, मैट्रिसेस में क्यों नहीं करते हैं? इसका बात अभी समझ में आएगा। बिकॉज आप लोगों को इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट का वैल्यू का भी जरूरत पड़ता है। फिर से बोलिए, इनवर्स निकालने के लिए डिटरमिनेंट के वैल्यू का भी जरूरत पड़ता है। ऑल राइट सर, ब्रॉडली अगर बात करें ना, ब्रॉडली कुछ और बात भी है लेकिन हम ब्रॉडली बात करें ना आपसे, तो इनवर्स निकालने के दो तरीके हैं। कितने तरीके हैं सर? दो तरीके हैं। अच्छा इनवर्स होता क्या सर, एक बार ये तो बता दीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम बोला ओके, दो मैट्रिसेस है ए और बी, स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोले तो 1001 अगर 2x2 है, और नहीं तो 1010100001, वो आप लोगों को पता है हम किस बारे में बात कर रहे हैं, राइट, ठीक है। 1000010 और वो आप लोग को 001, ये पता है आप लोग को, है ना। और यही अगर हम लोग b into a करें तो भी आई आ जाए, तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स ए बी का इनवर्स है या मैट्रिक्स बी ए का इनवर्स है, वो जैसे बोलना चाहो, वो आपकी मर्जी। इतना सर आप लोग को पता है, एक बार फिर से याद दिला रहा है, 3/3 ऑर्डर से ज्यादा नहीं आता है। अगर बात करें मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 तो इट्स नथिंग बट 1001। व्हाट इज इट सर? इट्स नथिंग बट 1001। परफेक्ट। हाँ सर बिल्कुल परफेक्ट। आगे बात करिए सर आप। ओके आगे बात करते हैं, अभी सुनने का। लेकिन अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 का बात करें तो सर आप लोग को पता है कि किस तरह से उसको प्रोसीड करवाना है। हाँ सर हमें पता है, बताइए। एक मिनट, 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1, ऑब्वियसली दिस इज अ मैट्रिक्स, ऑल राइट, ऑफ I3 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, व्हाट एवर इट इज। चलिए सर, अब यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है, पहले समझना कि इनवर्स कैसे निकाला जाता है। दोस्तों आज बता दे रहा है, ये जो जितना भी कंफ्यूजन चले आ रहा है ना दिन प्रतिदिन, उसका आज एंडिंग का समय आ गया। सर सच बताए ना, इनवर्स निकालने का दो तरीका है, होता तीन है। फिर से बोल रहा है, होता तीन है। तो कहीं पर देख लेना दो, दो कि तीन लिखा है तो बोलेगा ओ माई गॉड सर, तो हम लोग को गलत बताए, ओ माई गॉड मत करना। क्यों तीसरा वाला नहीं बताएगा? अभी समझ में आ जाएगा। एक्चुअली बताना तो सिर्फ एक चाहिए, ठीक है ना। हाँ, पहला तीन मेथड का नाम है, सबसे पहला जो आज हम लोग सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड मार्टिन्स रूल, बोलना गलत होगा उसको अपने लोग बोलते हैं इनवर्स निकालने का, कि भाई अपने बोल सकते हैं एडजॉइंट मेथड।
क्या बोल सकते हैं अपने लोग, एडजॉइंट मेथड। दूसरा अपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन एंड एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन बोल सकते हैं। और फाइनली यूजिंग इक्वेशन प्रूफ्स। सर ये जो यूजिंग इक्वेशन प्रूफ्स है ना, इसका फिलहाल आप लोग को कोई काम नहीं है। आई से अगेन, इसका फिलहाल आप लोग को कोई काम नहीं है। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन जो मैट्रिसेस के एंड में आप लोग के बुक में, उसका भी फिलहाल कोई काम नहीं है सर। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर आपको इस पर टेस्ट करने वाला है, एडजॉइंट मेथड पर। किस पर सर? एडजॉइंट मेथड पर। किस पर? फिर से बोलिए, एडजॉइंट मेथड पर आप लोग को टेस्ट करने वाला है। एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। अच्छा हाँ सर, ऐसा बात है। ऑल राइट सर, सर बताइए फिर, एडजॉइंट मेथड ऑफ फाइंडिंग इनवर्स। अच्छा सर, ये तीनों मेथड से इनवर्स तो सेम आता है क्या? हाँ सेम आता है। फिर से बोल रहा है, हाँ सेम आता है। अच्छा ठीक है सर, अभी सुनने का बात को अभी हम बात आप लोग से कर रहे हैं, अभी हम आप लोग से बात कर रहे हैं हाउ टू फाइंड इनवर्स। ठीक है, हाउ टू फाइंड इनवर्स, इसके बारे में हम आप लोग से बात कर रहे हैं। ऑल राइट सर बताइए। दोस्तों बात ऐसा है इनवर्स निकालने के लिए कि कुछ स्टेप्स होता है। आइए नीचे चल के आप लोग को वो स्टेप्स हम लिखवाते हैं और साथ साथ सॉल्व भी करवा देगा, यू नो। ओके रुकिए, हाँ सर, स्टेप्स टू इवैल्यूएट इनवर्स है ना। हाँ सर बताइए, स्टेप्स टू इवैल्यूएट ए इनवर्स, ठीक है ना सर? सही है, बात करो सर, आप बात करो सर। दोस्तों सबसे पहला स्टेप है इनवर्स निकालने के लिए, कि इनवर्स का फॉर्मूला जान लीजिए। अच्छा हम बता रहे हैं एडजॉइंट वाला टेक्निक और आप लोग भी ये यूज करेंगे, ठीक है? हाँ सर। सो सर, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एक्चुअली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी बताना चाहिए, बट आफ्टर ऑल मेरे को सारा इंपॉर्टेंट चीज को एक क्लास के अंदर वन शॉट में करवाना है ना, तो जो आया है बहुत ज्यादा उसी के बारे में ज्यादा बात करने का मन है ना। ए इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए होल डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए निकालना सिखा चुका, तो कोई ये मत बोलना कि सर वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ए कैसे निकाले, ठीक है ना? ओके, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन आता है। अब सर दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है सर। वो क्या अराइज होता है सर? वो ये अराइज होता है कि अब बताइए करना क्या होगा। सबसे पहले आप ये करो कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को निकालोगे। आप क्या निकालोगे? डिटरमिनेंट ए की वैल्यू को जब आप निकालोगे, इनफैक्ट हमको यही करना चाहिए आपको। रुकिए, ये तो है ब्रॉडली स्पीकिंग, मतलब ये आपको सम के एंड में याद रखना कि ये आपका ऑब्जेक्टिव है ब्रॉडली स्पीकिंग। लेकिन अगर हम लोग बात को अंदर तक ही रखें तो सर स्टेप्स क्या है सुनिएगा, करके दिखाएगा। स्टेप वन, पहले तो आप लोग ये करिए कि डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालिए। याद रखिएगा, अगर डिटरमिनेंट ए की वैल्यू जीरो आ गई तो सिस्टम में है इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सिंपली स्पीकिंग आपका आंसर नहीं आ सकता, सम आगे सॉल्व नहीं हो सकता, चुपचाप बैठ जाइए, ठीक है? इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है, वैसा क्वेश्चंस में। हम इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो क्या ही बोल रहा है, हम आपको सिंपल सा बात बता दे रहे हैं कि अगर आपका डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया तो भैया इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, फुल स्टॉप, बात खत्म, निकल जाओ क्वेश्चन से। लेकिन अपने लोग यहां पर इनवर्स निकालने आए हैं तो नेचुरली आप लोग को जो भी क्वेश्चन रहेगा ना, डिटरमिनेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब आप लोग ये कंक्लूड करोगे कि भाई साहब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। सिंपल, कोई बहुत बड़ा बात नहीं बोला सर। सही है, आगे बढ़ो सर। आप स्टेप टू आपको माइनर्स निकालना है। क्या निकालना है? माइनर्स निकालने के बाद स्टेप थ्री में आपको कोफैक्टर्स निकालना है। क्या आपको क्या करना है? कोफैक्टर्स निकालना है। अब आप लोगों को ट्रांसपोज का मतलब पता है? ट्रांसपोज का मतलब होता है रोज एंड कॉलम्स को सर इंटरचेंज कर देना। आई से अगेन, ट्रांसपोज का मतलब होता है रो एंड कॉलम्स को इंटरचेंज कर देना। तो स्टेप फोर,
adjoint of A, adjoint of A, A मतलब एक matrix A is equals to जो भी cofactor आया ना step 3 में, उस cofactors को खाली कुछ नहीं करना है, transpose कर दो। तो देखो adjoint आ गया आपका, ऊपर में आप determinant की value निकाल दिए। अब step 5 जो आप लोगों ने broadly speaking किया था, अब उसका apply करने का समय आ गया। Which is what? A inverse is equals to adjoint A निकाल दिए step 4 में, determinant A आप step 1 में ही निकाल दिए थे। And there you have it। आपका सम सॉल्व हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। अच्छा अब एक बात और रियलाइज करिए सर, वो क्या, एक बात और आप लोग को ये रियलाइज करना है दोस्तों कि अभी जब हम करवा रहा होगा ना सम को सॉल्व, तो समय लग रहा होगा इनवर्स निकालने में। तो उस बात को ये समझना, ये मत समझना कि अरे लेंदी होता है, गलत। उस बात को ये समझना कि सर एक्सप्लेन कर रहे हैं इसलिए समय लग रहा है। अदरवाइज आप लोग एग्जाम में खुद करने बैठोगे एक आध प्रैक्टिस के बाद, इट विल बी अ जोक फॉर यू गाइस, ट्रस्ट मी ऑन दिस। अच्छा हाँ सर, सच्ची। ओके सर, सर आगे बात करना शुरू कर दिया। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, इतना बातचीत हो गया है, आइए क्वेश्चन ले। बोलिए सर, क्वेश्चन है कुछ इस तरह का, ठीक है ना। अपने को ए इनवर्स निकालना है, अपने को ए इनवर्स निकालना है, बराबर। हाँ सर बराबर। सो 2 - 3 - 5 - 3 - 2 - 4 - 1 सुनना। हाँ सर बोलिए, सुन रहा है। 1 - 2 ठीक है ना। अब अभी ध्यान से सुनने का सर, अब क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है भाई फाइंड ए इनवर्स। याद रखना ए इनवर्स निकालने का तीन तरीका होता है, रो ऑपरेशन, कॉलम ऑपरेशन, एडजॉइंट मेथड और प्रूफ यूजिंग इक्वेशंस। अपने सिर्फ सीखने वाले हैं जो सबसे ज्यादा बार आया और सबसे ज्यादा बार आएगा और सबसे इंपॉर्टेंट है, विच इज वॉट, जी हाँ, दिस मेथड ऑफ एडजॉइंट्स, मेथड ऑफ एडजॉइंट्स, ठीक है। ऑल राइट, जो अपने लोग का रेगुलर क्लास चलेगा उसमें बाकी मेथड भी बता देगा, रिलैक्स करिए, है ना। ओके, सॉल्यूशन सबसे पहले आप लोग को क्या बोला गया था, सबसे पहले आप लोग को क्या करने बोला गया था, बोलो तो। सबसे पहले अपने क्या करेंगे आप लोग, बोलो तो मेरे को, आप लोग बताओ तो मेरे को कि सबसे पहले अपने लोग क्या करेगा। यू ऑल विल टेल मी कि करना क्या है सबसे पहले अपने। Come on guys, इनवर्स निकालने के लिए फर्स्ट स्टेप अपने को क्या करना पड़ता है। वेरी गुड, गुड, सही है, सबका आंसर एकदम करेक्ट आ रहा है। बाकी सब भी आंसर दे दीजिए। हाँ सही, चलो। तो भाई सबसे पहले डिटरमिनेंट ए फाइंड करेंगे, क्योंकि अगर डिटरमिनेंट ए जीरो हो गया तो बस खत्म, टाटा गुड बाय, सम आगे नहीं कर सकते आप, इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता है सर। वो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू जब जीरो नहीं रही, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो सर आप पहले ही बोल रहे हो हम लोगों की डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालने, करेक्ट, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू निकालो आप लोग। सर निकालना आता है, हम बोला तो निकाल के बताओ फिर, निकालना आता है तो। अच्छा सर बताइए कैसे निकालें, बस कोई भी तरीका को, कोई भी साइड को पकड़ो और एक्सपेंड कर दो। मान लो अपने पहला रो को पकड़ लेते हैं, मान लो अपने पहला रो को पकड़ते हैं, पहला रो मतलब दिस साइड, ठीक है। तो 2 को पकड़ा आप लोगों ने, 2 को पकड़ा आप लोगों ने, तो बाकी सब भूल जाओ। तो 2 - -2, ये 2 - -2 -4 - 1 यानी कि बेसिकली आपका हो क्या रहा है, -4 + 4, क्योंकि 2 - -2 -4 और माइनस और 1 - -4 -4, तो -4 यानी कि +4। आगे फिर अब नेक्स्ट है -3, अब -3 है तो +, तो यानी कि -3 कितना होता है, +3 होता है। ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो 3 - -2 -6 और 1 - -4 -4, तो -6 -4 यानी कि -6 +4, ठीक है। एंड लास्ट में +5, अब +5 है तो सब हटाओ, तो 3 - 1 - 3, 2 - 1 - 2, तो 3 - 2 बराबर। हाँ सर बराबर, यानी कि आपका क्या होगा, 2 - 0 + 3 - -2 + 5 - 1, ठीक है ना। हाँ सर, यानी कि आपका कितना आ गया, -6 + 5 = -1, विच इज नॉट जीरो,
इसका मतलब ये तो तय है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये तो तय है कि A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। हाँ सर बिल्कुल, A इनवर्स एग्जिस्ट करता है। स्टेप वन खत्म, ऐसे लिख के नहीं दिखाना स्टेप वन स्टेप टू, वो तो ऑर्गेनाइज तरीके से प्रेजेंट करने के लिए हम आप लोगों को करके बताया, ठीक? तो ठीक है सर, आगे सर अब आप माइनर्स निकालो। अच्छा सर ये बताना हमें क्या कि ये माइनस निकाला कैसे जाता है। सर ये माइनस निकाला कैसे जाता है बताता है, सुनो कैसे निकालेगा। ये था पार्ट वन, पार्ट टू माइनस। दोस्तों माइनस निकालने का तरीका केवल ये है कि जो रोज है ना, ऐसे सोचो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम जैसे लिखते हैं ना मैट्रिसेस में, बस वैसे ये बार लिख कर सोचो, इस तरह से लिख कर सोचो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो ऐसे लिख कर सोचो आप लोग। ऑल राइट सर, अब बताइए, अब सर सिंपल सा तरीका ये है ना, अब सर माइनस निकालने का सिंपल सा तरीका ये है ना कि बस जो सोचे ना आप लोग, जो सोचे ना आप लोग, हाँ सर, अब उसको इवेल्युएट कीजिए। माने सर इवेल्युएट कीजिए मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे क्या है, टू है, तो टू का रो भूल जाइए कि टू जिस रो में और उस कॉलम में, भूल जाइए, तो आपको वैल्यू निकालना है सर। मतलब ये भूल, सुनिएगा, इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये भूल जाइए, जब टू का माइनर निकालना है इस एलिमेंट टू का, तो टू जिधर है उसको भूल जाइए, तो बचा क्या, टू इंटू, जब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जैसे निकालते हो वैसे निकालो, तो टू इंटू माइनस टू माइनस फोर, और माइनस फोर माइनस माइनस प्लस फोर यानी कि जीरो, तो यानी कि पहला माइनर आपका आ गया जीरो, पहला माइनर आपका आ गया जीरो, बराबर? हाँ सर बराबर, हाँ सर बराबर, हटाओ इस चीज, आगे बात करिए, आगे बात करिए, इसको भूल जाइए माइनस थ्री वाला को, माइनस थ्री वाला को आप पूरी तरह से भूल जाइए, ठीक है सर? भूल गया, अब बताओ आप, अब जब आप भूल गए तो आप लोगों को क्या दिख रहा है, थ्री माइनस टू यानी कि माइनस सिक्स, और माइनस सिक्स माइनस माइनस फोर यानी कि माइनस सिक्स प्लस फोर विच इवेंचुअली गिव्स यू व्हाट, माइनस टू। सर ये यहां पर आ गया माइनस टू, ऑल राइट? हाँ सर ऑल राइट, आगे बात करो आप, आगे बात करो, अब फाइव वाला को भूल जाइए, अगर आप फाइव वाला को भूल जाए तो आपके पास क्या बचे, थ्री इंटू वन थ्री, और टू इंटू वन टू, तो यानी कि थ्री माइनस टू कितना बचा सर आपका, सर थ्री माइनस टू हम लोग का नेचुरली जो बचा, थ्री माइनस टू जो हम लोग का नेचुरली बचा वो वन है, हम बोला परफेक्ट, हम बोला परफेक्ट, तो सर चलिए यानी कि आपके पास बचा वन, लिख दिया। वैसे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम भूल जाइए, क्या भूल जाए हम, ये वाला और ये वाला जो बचा उसको इवेल्युएट कीजिए, माइनस थ्री इंटू माइनस टू प्लस सिक्स, सिक्स माइनस फाइव वन होता है, ठीक है ना? अब हम बाकी सब वैसे का वैसे भर दे रहे हैं, जितना समझाना था समझा दिया, अभी तक समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है? तो बाकी सब हम फटाफट भर रहे हैं, अब हम टाइम नहीं वेस्ट कर रहे हैं, ओके वन, ठीक है? हाँ सर, तो फिर बाकी का क्या बचा, ये गया ये गया, हाँ, तो माइनस फोर माइनस फाइव माइनस नाइन, माइनस नाइन बचा, ये गया ये गया, टू इंटू वन टू, माइनस माइनस यानी कि प्लस फाइव, ठीक है? हाँ सर, ये गया माइनस थ्री टू माइनस फोर ट्वेल्व, ट्वेल्व माइनस टेन टू, वेरी गुड। आगे ये गया टू इंटू फोर माइनस एट, और फाइव इंटू थ्री फिफ्टीन, माइनस एट माइनस फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी थ्री, ठीक है? हाँ सर, एंड द लास्ट वन इज ये गया फोर, फोर माइनस माइनस नाइन यानी कि प्लस थर्टीन, खत्म। ये आपका माइनर आ गया, ये आपका क्या आ गया सर, ये माइनर आ गया सर आपके ऊपर। अच्छा हाँ सर बिल्कुल सर, लेकिन अब आप हम लोग को एक बात बताइए सर, अब आप हम लोग को एक बात बताइए, को फैक्टर कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि स्टेप थ्री क्या है इनवर्स निकालने का, कि भाई को फैक्टर निकालना पड़ेगा। हम बोला बिल्कुल सही पहचाने, तो यार अगर आपको को फैक्टर निकालना है ना, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, को फैक्टर निकालना कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, तो सर आप बताओ क्या तरीका है। भाई साहब को फैक्टर निकालने का तरीका ये है कि आप करोगे क्या, मान लो को फैक्टर आपको फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का चाहिए, एक काम करते हैं ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लिखना गलत होगा, जनरल में लिखते हैं ith रो jth कॉलम का, ith रो jth कॉलम का चाहिए। तो भैया आपको करना क्या है, माइनस वन ब्रैकेट में लीजिए i प्लस j, मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ दीजिए आपस में, फिर से रो नंबर और कॉलम नंबर को जोड़ दीजिए आपस में, बस रो नंबर और कॉलम नंबर को आप लोग जोड़ दिया आपस में, और फिर वो ही जो वहां पर माइनर आया था वो माइनर की वैल्यू उसकी जगह बैठा दीजिए, तो आपका को फैक्टर निकल के आ जाएगा। सर जरा समझाना कैसे करोगे आप। हम बोला देखो इस क्वेश्चन में, द क्वेश्चन दैट वी आर करंटली सॉल्विंग, उसमें कैसे करेंगे ये समझाता आपको, ठीक है ना? बहुत बड़ा बात नहीं है। देखो सबसे पहले तो जीरो है यार, जीरो इंटू माइनस वन टू द पावर कुछ भी हो,
वो तो जीरो ही आने वाला, तो इसके बारे में ज्यादा सोचो मत। हम माइनर्स को देख रहा है, कोई अगर ये सोच रहा है कि सर देख कहां रहे हैं, तो माइनर्स को देख रहा है, ठीक है ना। अब देखो माइनस टू है, वन टू की जगह माइनर वन टू की जगह है, कौन है, माइनस टू है सर है, तो बस सोचना कैसे है, माइनस टू जो लिखा हुआ है वो इन टू, मतलब वो तो माइनर हो गया, माइनस वन द पावर वन प्लस टू, वन प्लस टू मतलब रो नंबर और कॉलम नंबर। और याद रखना यार सिंपल में बताएं, ऑड आ रहा है, वन प्लस टू क्या आता है, ऑड आता है, तो ऑड आता है तो माइनस वन टू द पावर ऑड नंबर क्या रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, नेगेटिव ही रहेगा, ये पूरा का पूरा नेगेटिव है, माइनस वन आएगा, और माइनस वन इंटू माइनस टू कितना होता है, प्लस टू। तो ये लीजिए आपका आ गया दूसरा परफेक्ट है। सर तीसरा भी निकाल के बताओ, एक दो तो करके बताएगा फिर फटाफट लिख देगा, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, अब जैसे देखो वन है, अब जैसे देखो वन है, वन कहां पर है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो आप क्या लिखोगे, पहले वन लिखे फिर माइनस वन टू दी पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इवन है तो माइनस वन टू दी पावर फोर भी क्या होगा, इवन होगा, और सर इवन होगा तो नेचुरली आपके पास ये बचेगा, है ना। हम आप लोग को सच सच बताएं चल क्या रहा है, चल क्या रहा है मालूम है, वो जो आप लोग को फॉर्मेट बताया था ना, प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, है ना, हाँ सर, फिर प्लस माइनस प्लस, ये वही चल रहा है। ओ तो सर वो तो हम लोग डायरेक्टली बैठा सकते हैं, हाँ बैठा सकते हैं, हम बस अभी यही समझा रहा था कि वो आया कैसे। तो अब जैसे देखो अगर आप लोग समझ चुके हो, तो वन है, वन के सामने माइनस बैठेगा माइनस वन, माइनस नाइन है, माइनस नाइन के सामने प्लस बैठेगा, माइनस नाइन के सामने प्लस बैठेगा तो क्या बैठेगा, माइनस नाइन ही तो बचेगा, फाइव, वापस से फाइव के सामने क्या बैठेगा, माइनस, क्योंकि वो ऑड पोजिशन पे है। इस तरह से डिसाइड होता है, इस तरह से डिसाइड होता है, याद रखना। ओ तो सर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि सारा माइनस लिख दिया और सबके सामने प्लस माइनस प्लस की तरह लिख दिए, अरे वही करना है, कर क्या सकता है, वही करना है, हम बस बताया था। अच्छा तो रियल में हम कर क्या रहे हैं मालूम, हम आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, हम रियल लाइफ में कर क्या रहे हैं, हम आप लोग को एक चीज दिखाते हैं, पूरा का पूरा माइनर कॉपी कर दो, पूरा का पूरा माइनर को कॉपी कर दो, एग्जैक्टली वैसे का वैसा, एग्जैक्टली वैसे का वैसा कॉपी कर दो आप लोग। सर कर दिया आपने, कहा हमने किया, बस अब करना क्या, अभी करना क्या, ध्यान से देखो, कर दिया ना कॉपी, हाँ सर कर दिया, बस अब प्लस माइनस प्लस कर दो, यहाँ पे प्लस है जीरो ऑलरेडी खत्म, माइनस टू के सामने माइनस लगाओगे तो ये प्लस बन जाएगा, और वन के सामने ऑलरेडी प्लस है, फिर क्या होता है माइनस प्लस माइनस, तो यानी कि वन के सामने माइनस लगाओ, प्लस प्लस माइनस नाइन के सामने प्लस लगाएगा तो क्या आएगा, माइनस नाइन ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, फाइव के सामने माइनस लगाना पड़ेगा, और लास्ट में प्लस माइनस प्लस, टू के सामने प्लस चाहिए था प्लस ही है, माइनस 23 के सामने माइनस लगाओ और प्लस 13 के सामने प्लस है, जाओ कोफैक्टर आ गया, खत्म खत्म हो गया सब। ओ तो सर कोफैक्टर निकालना तो बहुत आसान है, फिर आप ये हमें माइनस वन आई पाई प्लस जे एम आई जे क्यों निकाले, अरे बस बताया कि वो फॉर्मूला का इजाद कैसे हुआ। हाँ करना तो बहुत ईजी है सर, सही है सर, सही है, आगे बात करो सर आप, ठीक है हम आगे बात करते हैं, ठीक है हम आगे बात करते हैं, अभी स्टेप फोर का बात करेगा, स्टेप फोर में हम क्या करेगा मालूम तो सबको, हाँ सर मालूम, सर आप ये करने वाले हो कि आप ट्रांसपोज कर दोगे, ट्रांसपोज करते ही मेरा क्या आ जाएगा, फिर से बोलो, ट्रांसपोज करते ही मेरा क्या आ जाएगा, सर आप ट्रांसपोज करोगे तो आपका ट्रांसपोज करते ही एडजॉइंट आ जाएगा, बिल्कुल ठीक समझा। तो ये है कोफैक्टर ऑफ ए, बस अब ट्रांसपोज कर दो तो एडजॉइंट आ जाएगा, और है ना जब लिखो ना तो ऐसा मत बोलना कि सुनो टीचर हम ना कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर रहा है, टीचर इज लिस्ट इंटरेस्टेड, टीचर को भैया आंसर से मतलब है, ये हम आप लोग को करने का टेक्निक फ्लो करवा रहे हैं। ओके तो सर जीरो माइनस वन टू टू माइनस नाइन माइनस 23 ट्रांसपोज किया है, बार बार बोल रहा है कोफैक्टर को ट्रांसपोज किया है, मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज किया है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन गया, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, बस खत्म, जॉइंट आ गया। अब सर अब सर अब सर अब तो वो समय आ गया है सर, कौन सा समय बोलो ना सर, अब वो समय आ गया जहां दोनों को डिटरमाइन डिवाइड करो, हम बोला ठीक समझे, तो बस फाइनली डिवाइड कर दो, फाइनली डिवाइड कर दो, फाइनली क्या कर दो सर, फाइनली डिवाइड कर दो। ऑलराइट सर, अगर आप लोग डिवाइड करोगे, अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो आप लोग को एक बात बताते हैं सर, क्या बात, कि जब आप लोग डिवाइड किया जॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए को, या इनफैक्ट हम डिटरमिनेंट भी क्यों बोल रहे हैं, ये तो मैट्रिसेस का पार्ट चल रहा है ना, सॉरी अब तो हम लोग मैट्रिक्स में चले गए ना दोस्तों, याद रखिएगा, है ना, ये छोटा सा बात है लेकिन बता देता है, डिटरमिनेंट का काम सिर्फ पहला स्टेप में था जब हम डिटरमिनेंट ऑफ ए कैलकुलेट किया, उसके बाद ये सब जो भी चल रहा है ना माइनर कोफैक्टर, ये सब मैट्रिक्स का निकलता है, किसका निकलता है, मैट्रिक्स का निकलता है, तो ये सब मैट्रिक्स का है। और मैट्रिक्स का रूल क्या बोलता है, मैट्रिक्स का रूल क्या बोलता है, एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ए, मतलब ए इनवर्स इज इक्वल्स टू
वन बाई माइनस वन, क्योंकि डिवाइड किया जाता है, और ये पूरा का पूरा को वैसे का वैसे लिख दो, पूरा का पूरा को वैसे का वैसे मैट्रिक्स को लिख दो। अभी हम एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला है, प्लीज ध्यान से सुनना, यहां गलती करते हो। जीरो माइनस वन टू, टू माइनस नाइन माइनस 23, ठीक है ना, वन 13। अभी सर यहां पर ना एक बहुत बड़ा धर्म संकट में पड़ जाते हो आप लोग, पता है क्या, बाहर में वन बाय माइनस वन है, मतलब सिंपली स्पीकिंग वन बाय माइनस वन जो बाहर में है उसको हम माइनस वन लिख सकते हैं ना। सर ये आप बाहर में वन बाय माइनस वन क्या किए, अरे अडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ए किया, अडजॉइंट ए तो आपके बगल में है और बाय डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या आई थी आपकी, माइनस वन आई थी, तो बाय माइनस वन किया था सिंपली स्पीकिंग। तो एनीथिंग बाय माइनस वन, मतलब वन बाय माइनस वन इज माइनस वन ओनली। अब आप लोग सब अग्री करोगे कि माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करना है। सर हम आप लोग को याद दिला देता है और ये बात हम आप लोग को बता देता है, बार बार चेतावनी दे रहा है, सुन लेना, चेतावनी दे रहा है। क्या सर? चेतावनी ये है दोस्तों, चेतावनी ये है दोस्तों कि आप लोग एक बहुत बड़ा गड़बड़ करते हो। सर वो गड़बड़ क्या करता है हम लोग, सर वो गड़बड़ आप लोग ये करते हो ना कि आप लोग ये रियलाइज नहीं करते कि यहां पर मैट्रिसेस चल रहा है। मैट्रिसेस क्या बोलता है कि अगर बाहर में एक कॉन्स्टेंट है जिसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलते हैं, बाहर में एक कॉन्स्टेंट है और अंदर में एलिमेंट्स है, तो वो कॉन्स्टेंट, सुनना, वो कॉन्स्टेंट मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वो कॉन्स्टेंट जो बाहर में है वो मैट्रिक्स का हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी कुछ और बोलता है, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोलता है अगर बाहर में कोई कॉन्स्टेंट है ना, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी बोलता है कि बाहर में कोई कॉन्स्टेंट है ना, तो वो किसी भी सिर्फ एक रो या एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। रिक्वेस्ट करता है ये मिस्टेक मत करना, यहां पर तुम बैठ के मैट्रिक्स सॉल्व कर रहा है, तुम डिटर्मिनेंट सॉल्व नहीं कर रहा है, तुम तो बस डिटर्मिनेंट का एक वैल्यू जो आया माइनस वन उसको इस्तेमाल करेगा। ओवरऑल क्वेश्चन तो मैट्रिक्स का ही है। अच्छा, तो मतलब बोलने का मतलब ये है कि जब तुम फाइनली ए इनवर्स को लिखेगा ना, ए इनवर्स को जब लिखेगा तो तुम सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा, बिकॉज व्हाट इज गोइंग ऑन इन मैट्रिसेस, ओ सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करो माइनस वन को। अच्छा, तो ये बात है, हाँ सर ये बात है, 5 माइनस 13, यह आ गया आप लोग का ए इनवर्स, यह आप लोग का आ गया ए इनवर्स, यह आप लोग का आ गया ए इनवर्स। समझ आया? हाँ सर समझ में तो आया, हाँ सर समझ में तो आया। सर 23 प्लस होगा, माइनर में माइनस था, लेट मी चेक, मे बी यू आर राइट, एक सेकंड दोस्त। अच्छा, प्लस माइनस, बिल्कुल, एक मिनट, हाँ ये भी ठीक है, सही है, ओके, हाँ दोस्त ठीक बोला, थैंक यू वेरी मच, मेरे फ्रेंड ने याद दिलाया कि सर ये जो को फैक्टर है इसको प्लस 23 कर दो, क्यों, क्योंकि अगर माइनस माइनर में माइनस था तो माइनस प्लस माइनस लगेगा, तो माइनस माइनस 23 प्लस 23 ना हो जाएगा सर। हाँ सर बिल्कुल सही कहा, तो सर ये रहा, इसका जब ट्रांसपोज करोगे तो भी प्लस 23 हो जाएगा, सर ठीक कहते हो आप। अभी सुनना आप लोग बात को, तो जब आप लोग माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस 23 में तो वो माइनस 23 बन जाएगा ना। हाँ सर बिल्कुल, ये माइनस कौन सा मल्टीप्लाई हुआ, अरे वो तो ये वाला है, ठीक है ना सर, सही है सर, सही है, वो तो छोटा सा क्यूट सा मिस्टेक हो गया था। ऑल राइट, तो ये आ गया आप लोग का ए इनवर्स, ये आ गया आप लोग का ए इनवर्स, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है। आगे बात करो सर, अब हम इसी क्वेश्चन को यूज करके मार्टिन्स रूल समझाएगा। मार्टिन्स रूल को कुछ लोग, जैसे सीबीएसई इसको मैट्रिक्स मेथड बोलता है, फिर से सीबीएसई वाले इसको मैट्रिक्स मेथड बोलते हैं और आईएससी वाले मार्टिन्स रूल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम जो सिखाने वाला है वो वही है, हम इसी क्वेश्चन को यूज करेगा, जो भी अपने लोग ए इनवर्स निकाला है ना, अपने लोग इसी क्वेश्चन को यूज करेगा। हाँ सर सच्ची, हाँ सच्ची, पहले ऊपर में चल के समझ लेते हैं मार्टिन्स रूल को, उसके बाद बात करता है। रुकिएगा, ये रहा सर मार्टिन्स रूल क्या बोलता है, एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता है। हाँ सर बताओ प्लीज। ऑल राइट, देखो ध्यान से दोस्तों, क्वेश्चन सुनना ध्यान से। होल्ड ऑन एवरीवन, ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है चलो। सॉल्व द
फॉलोइंग, सीधा क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा मार्टिन रूल आपको, है ना, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन के थ्रू इक्वेशन क्या है सर, इक्वेशन है 2x प्लस 5z इज इक्वल टू 11 बराबर, हाँ सर, 3x प्लस 2y माइनस 4z इज इक्वल टू माइनस 5 ऑल राइट, एंड x प्लस y माइनस माइनस 2z इज इक्वल टू माइनस 3 बराबर, हाँ सर बराबर, सर बराबर, आगे बात करो सर आप। अब दोस्तों मेरे को आगे क्या समझाना आपको, ये तो क्वेश्चन हो गया है ना, हाँ सर, अब अपने इसको मार्टिन रूल से सॉल्व करेंगे, और जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रहे ना यार, याद रखना मार्टिन रूल से तुम सॉल्व करेगा। अब मार्टिन का रूल क्या बोलता है, मार्टिन का रूल क्या बोलता है, हम सोल्यूशन इधर लिख रहा है दोस्तों ब्लू कलर से, है ना, ऑल राइट सर, सर मार्टिन का रूल क्या बोलता है, मार्टिन का रूल बोलता है भाई साहब, मार्टिन का रूल क्या बोलता है कि भाई ax इक्वल्स टू बी, सुनना मार्टिन का रूल बोलता है कि भैया ax इक्वल्स टू बी होता है तो जो x होता है, सुनना मार्टिन का रूल बोलता है कि भैया ax इक्वल्स टू बी होता है तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b होगा, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b होगा। लेकिन सर एक बात हम लोग को समझ में नहीं आया कि यहां पर आप जो बोले ax इक्वल्स टू b होगा, ये फर्स्ट स्टेप है, अच्छा बात है सर, लेकिन ये ax इक्वल्स टू b आएगा कहां से, ये आया कैसे आपका, हम बोला देखो समझाता है a क्या होगा, सारा पहला कोएफिशिएंट्स होगा, मतलब बोलने का मतलब ये है कि लेट्स से यहां पर ऐसे है, हाँ सर, अब आप लोग देखो ए का कोएफिशिएंट्स क्या क्या आ रहा है आपका, देखो 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 और 1 माइनस 2, ठीक है, हाँ सर ठीक है, और x की वैल्यूज क्या है, x की वैल्यूज आपको सर्टेन करनी है, x y z इज इक्वल टू बी, यानी कि 11 माइनस 5 और माइनस 3 बराबर, हाँ सर बराबर। अच्छा दोस्तों एक मिनट, हाँ जस्ट गिव मी अ मिनट, एक मिनट देना मेरे को प्लीज। ऑल राइट सो सर कंटिन्यू करते हैं बातचीत को, सर बातचीत को कंटिन्यू करते हैं, ओके ax इज इक्वल टू बी है बराबर, हाँ सर बराबर, तो अगर ax इज इक्वल टू बी है दोस्तों, तो अब इसको अप्रोच कैसे करना है, या हाउ डू यू सॉल्व इट एनी फर्दर, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा हाउ डू यू सॉल्व एनी फर्दर, कि जब ax इज इक्वल टू बी लिखा हुआ है ना, तो आप लोग क्या लिख सकते हो, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक मिनट, ऑल राइट ओके ठीक है, तो अगर ax इक्वल टू बी है, x इक्वल टू ए इनवर्स बी है, अब आप लोग दिमाग लगाओ, आप लोग एक चीज सोचो, x को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको अपने को निकालना है बराबर, B को रिप्रेजेंट कर रहा है ये, और A को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अच्छा बाय द वे हम आप लोगों को बता देता है, इफ यू गाइस हैवंट नोटिस्ड कि ये जो हम इक्वेशन लिखा है ना, जानबूझ के ऐसा A निकाला है कि जिसको हम, जिसका इनवर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके सर, मतलब ये जो 2 माइनस 3 5 ये सब है ना, नीचे में जो अपने क्वेश्चन किया चेक करो, 2 माइनस 3 5 3 2 माइनस 4 और 1 1 माइनस 2 ये उसी का है, ओ सर ये उसी का है, हाँ ये उसी का है, अच्छा वेरी गुड सर,
तो सर ये बात है, सर ये बात है, अच्छा ठीक है सर। सर अब आप आगे बढ़िए प्लीज। ओके आगे बढ़ता है सर, अब आप आगे बढ़िए प्लीज। ओके आगे बढ़ता है सर, अगर ए एक्स इक्वल टू बी लिख दिया, कम ऑन गाइस, यू नीड टू रियलाइज समथिंग, एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी है, तो मेजर स्टेप्स किस चीज में था? ए इनवर्स निकालने में, वही निकालना है, समझ गए, वही निकालना है। ओ तो सर वो तो हम लोग निकाल रखा है, हाँ हाँ आप लोग को निकालना पड़ेगा, अदरवाइज किसी क्वेश्चन में हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन लिया था जिसमें हम इसको यूज कर सके दो तरीका से, ए इनवर्स बी, ठीक है। तो याद रखना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना है, भूलने का नहीं। ओके सर, तो एक्स की जगह, एक्स की जगह आपका एक्स वाई और जेड आ गया, एक मिनट रुकिए, एक्स वाई जेड आ गया, ए इनवर्स है ना, हाँ सर। तो अगर आपका ए इनवर्स देखें तो आपका ए इनवर्स क्या आया देख लीजिए, 0, 1, -2, ठीक है ना, लिख देता है फटाफट एक बार, ये देखो आप ए इनवर्स 0, 1, -2, -2, 9, -23, -1, 5 और -33, ठीक है। तो सर हाँ सर ठीक है, ए इनवर्स लिख दिया, और बी क्या है सर, कम ऑन, बी आप लोग को पता है जो कॉन्स्टेंट इक्वल टू के राइट साइड में दिया हुआ था इक्वेशन में, विच इज 11, देख लो ऊपर में 11, -5 और -3, ठीक है। तो हाँ सर ठीक है, लिख लिया, हाँ सर लिख लिया। अब सर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन जिंदाबाद है ना, हाँ सर अपने को आता है मैट्रिसेस, अपने को मैट्रिसेस आता है, हाँ सर आता है। तो क्या करना है, इस पूरे रो को इस कॉलम के साथ बस, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसे चलते जाएगा, क्योंकि कॉलम एक ही है, रो तीन है, कॉलम एक ही है, रो तीन है, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, हाँ पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ऑलराइट सर, कैसे पॉसिबल है, क्योंकि तीन रो तीन कॉलम है, क्योंकि तीन रो तीन कॉलम है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, तीन रो एक कॉलम है। क्या तरीका, कंडीशन क्या था, यहाँ पर कंडीशन ये था कि ये वाला बराबर होना चाहिए, जो कि है बराबर, तो जो आंसर आएगा वो भी जो बाहर वाला मैट्रिक्स है वो आएगा, यानी कि 3 और 1, यानी कि जो मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा वो 3/1 मैट्रिक्स आएगा। सर देखो कितना बढ़िया से समझ में आया है ना, हाँ सर समझ में तो आया, सर समझ में आया, वैल्यू डालिए तो 0 × 11 0 + 1 × -5 -5 + -2 × -3, यानी कि +6, तो 5 -5, सुनना अभी, सुनना अभी बात को, हाँ सर बोलिए, सुन रहा है बात, ऐसा है कि जब आप 1 × 0 × 11 किया तो खैर वो तो 0 आई गया आपका, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है उसमें, जब आप 1 × -5 किया, जब आप 1 × -5 किया दोस्तों, तो आपका कितना आया -5, और 3 × -3 × -2 किया तो +6, तो -5 + 6 कितना होता है सर, 1 होता है, लिख लो 1। सेम वे मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, -2 × 11 - 22 9 × -5, ये सब लिख कर दिखाना है, हम फटाफट कर रहे हैं, -2 × 11 - 22 9 × -5 - 45, और अपने लोग का -23 × -3 + 69, तो अपना हुआ क्या, -22 - 45 + 69 सॉल्व करोगे तो वो आएगा -67 + 69 कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। वैसे ही लास्ट वाला -1 × 11 - 11 5 × -5 - 25 और -13 × -3 = 39, तो -11 - 25 + 39 which eventually gives us 3। बस जब आप ऐसा कर लिए तो आप कंपेयर करो दोनों तरफ, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो, यस और नो, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े हो, यस और नो, सर पढ़ा है। तो x 1 हो गया, y 2 हो गया और z अपन का 3 हो गया। अच्छा तो ये बात है सर, एक बार कंफर्मेशन दीजिए ना सबको ही, कि सबको ही को क्लियर है ना, यस और नो, सबका रिस्पॉन्स चाहिए, कम ऑन फटाफट एकदम। ऑल राइट गुड, आओ सर थोड़ा सा बात ना अब प्रॉपर्टीज का भी करें, है ना, टू कंप्लीट अ फुल सर्कल। आइए प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी में थोड़ा सा जल्दी जल्दी जाएंगे, तो प्लीज मेरे साथ रहिएगा आप लोग, है ना, हाँ सर बोलिए दोस्तों। प्रॉपर्टी 1 मैट्रिसेस का ये बोलता है कि
देखो अब हम लोग बात मैट्रिसेस का कर ही नहीं रहा, डिटरमिनेंट का कर रहा है। सो आई शुड से प्रॉपर्टी वन डिटरमिनेंट का ये बोलता है, फिर से बोल रहा है, डिटरमिनेंट का ये बोलता है वो मैट्रिक्स वाला जोन से बाहर आ जाओ। मैट्रिक्स वाला जोन तब लगता है जब तुमको ए इनवर्स निकालना पड़ता है, क्योंकि ए इनवर्स भी एक मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट नहीं है। डिटरमिनेंट को तो तुम बस यूज किया था उस मैट्रिक्स को निकालने के लिए, ठीक है? तो हाँ सर ठीक है, तो बात करो सर आप प्रॉपर्टी वन। दोस्तों अगर प्रॉपर्टी वन बात करें डिटरमिनेंट का, तो वो ये बोलता है कि एक डिटरमिनेंट दिया हुआ है, ठीक है ना, अगर आप उसका ट्रांसपोज कर दो, ट्रांसपोज कर दो मतलब रोज एंड कॉलम्स को आप इंटरचेंज कर दो, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा हाँ, इसका मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, ऑन इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। सर आप कहना क्या चाहते हो, सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, बस प्रॉपर्टी बता रहा। सुनना, इस प्रॉपर्टीज पर एक क्वेश्चन जरूर करके दिखाएगा, बट ये समझना ये प्रॉपर्टी क्या बोलता है। मान लो एक डिटर्मिनेंट है समथिंग लाइक दिस, ठीक है? अच्छा डिटर्मिनेंट है तो इसको मैट्रिक्स जैसा साइन मत दो। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालो, डिटर्मिनेंट ए आप निकालो, कुछ आएगा, कोई वैल्यू आएगा, है ना, सॉल्व करने पर, एक्सपेंड करने पर, वो जो वैल्यू आएगा अगर आप इसका ट्रांसपोज निकालते, यानी कि 1, 4, 7, 2, 5, 9 और 3, 6, 8, तो सर जो इसका ट्रांसपोज आता ना, इसका जो ट्रांसपोज आता वो भी सेम आता, वो भी सेम आता। तो पहली प्रॉपर्टी सिंपली क्या बोलती है, अगर एक लाइन में समझाए तो, कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ट्रांसपोज ऑफ डिटर्मिनेंट ए। बात खत्म, इतना सा बात में बात खत्म हो गया। अच्छा हाँ सर ये बात है, ऑलराइट सर, प्रॉपर्टी वन समझ में आया, प्रॉपर्टी वन समझ में आया, यूज कैसे करते हैं वो धीरे धीरे आप लोग को बताया जाएगा। ओके सर। सर अब बात अपने लोग करते हैं प्रॉपर्टी टू का। सर प्रॉपर्टी टू का ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी टू क्या बोलता है, प्रॉपर्टी टू क्या बोलता है, इफ एनी रोज, रोज या फिर कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज्ड, अगर इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट आएगा शुड बी मल्टीप्लाइड विथ माइनस वन। सर नहीं समझ में आया, सर नहीं समझ में आया, हम बोला ऑल राइट कोई बात नहीं है, पहले लिखने दो फिर समझाता है। बात ऐसा है सुनना ध्यान से। सर बोलिए, एक डिटर्मिनेंट लिया, ठीक है, और यहां पर भी एक डिटर्मिनेंट लिया। अभी सुनना बात क्या है, सुनना, मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना, हाँ सर बिल्कुल। अभी सुनने का आप लोग को, मान लो मेरे को ऐसा जरूरत पड़ा कि हम पहला दो रो कॉलम कुछ भी कर सकता है, पहला दो रो इंटरचेंज करें, क्या करें, इंटरचेंज करें, ओके हाँ सर, तो वो हम कर सकता है, हम कर सकता है। इसका मतलब फर्स्ट रो नीचे चला जाएगा, मतलब एबीसी बीच में आ गया और जो सेकेंड रो था वो ऊपर आ गया, इंटरचेंज हुआ। तो अपना बुक या अपना एग्जामिनर अपने को बोलता है कि भाई तुम ऐसा कर सकता है, लेकिन एक लेकिन है, वो लेकिन क्या है कि भाई अगर तुम ऐसा करेगा तो तुम एक उधार ले रहा है, क्या ले रहा है, एक उधार ले रहा है। ऐसे समझो कि इंटरचेंज करना एक उधार लेना हुआ, और उस उधार को चुकाने के लिए आपको पूरा डिटर्मिनेंट को माइनस वन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओ तो सर आप बोल रहे हो हम अगर दोबारा चेंज किया तो फिर माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा, हाँ
जितना बार करे, और याद रखना एक बार में दो तीन चेंज मत करना कि रो वन को कॉलम और रो वन को रो टू से और कॉलम वन को कॉलम टू से एक साथ कर दिया और सिर्फ एक माइनस लगा दिया, गलत, जीरो। एक एक करके करना, एक बार किया। अब मान लो तुम्हारा इच्छा है कि भाई हमें ना कॉलम इंटरचेंज करे सर, मेरा ऐसा एक इच्छा है, तो कर, तुम तेरे पास पूरा हक है, लेकिन याद रखना फिर से बाहर में तुम माइनस वन मल्टीप्लाई करेगा। हर बार एक इंटरचेंज करना इज इक्वल टू एक उधार क्रिएट करना, और टू पे ऑफ दैट उधार हर बार माइनस वन बाहर मल्टीप्लाई करना। दैट्स व्हाट प्रॉपर्टी टू सेज, दैट्स व्हाट प्रॉपर्टी टू सेज। अच्छा हाँ सर, ये बात है, ठीक है, आगे बताइए सर, आगे बताइए। प्रॉपर्टी थ्री, मित्रों प्रॉपर्टी थ्री अपने लोग का बोलता है, सिंपल है कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा। अगर दोस्तों कोई भी दो रो या दो कॉलम डिटर्मिनेंट का आइडेंटिकल रहा तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट जो है वो जीरो हो जाता है। सर क्या हो जाता है, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाता है जीरो। क्या हो जाता है सर, जीरो हो जाता है। अच्छा हाँ सर ऐसी बात है, हाँ सर ऐसी बात है, ओके सर, गॉट यू गॉट यू। तो सर चलिए बताइए बताइए इसमें करना क्या है या आप बोलना क्या चाहते हो। हम बोला देखो ध्यान से देखो, हम बोला ध्यान से देखो, मान लो ये एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी, बस बात खत्म खत्म। दो रोज इक्वल है, अरे दो कॉलम भी सेम हो सकता है ऐसा नहीं है, लेकिन दो रोज इक्वल है बस। वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बिना कुछ सोचे समझे प्रॉपर्टी थ्री यूज करो और जीरो लगा दो। सर एग्जामिनर को कुछ दिखाने का जरूरत नहीं है, कुछ नहीं, खाली बोलना यूजिंग प्रॉपर्टी, बात खत्म, फुल स्टॉप, है ना। काफी लोगों को आदत आप लोगों को कि प्रॉपर्टी वन टू थ्री ऐसे लिखने का, मत लिखना। अगर याद है कि ये प्रॉपर्टी थ्री है तो लिख, नहीं याद है तो सिर्फ यूजिंग प्रॉपर्टी लिखना, हीरो बनने के चक्कर में जीरो मत लाना, ठीक है। तो याद रखो कि दो रो या दो कॉलम इंटरचेंज इंटरचेंज का बोल रहा है, अगर आइडेंटिकल है तो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आएगा आपका वो क्या आएगा सर, वो जीरो आएगा, वो क्या आएगा आपका सर, वो जीरो आएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन करेंगे चाप मत लेना, क्वेश्चन करेंगे चाप मत लेना, ठीक है ना। आगे बोलो सर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी बहुत ही बेहतरीन है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलता है कि इफ ईच एलिमेंट, पहले हम, मेरा ऑब्जेक्टिव है कि सारा प्रॉपर्टीज करवा दे, फिर एक आध सम लोग को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो करवा देगा, ठीक है ना। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज sum of two terms, then the determinant can be expressed into two determinants। सर समझ में नहीं आया आपका बात, हम बोला ओके, समझने का कोशिश करो। ये देखो बात को मान लो कुछ ऐसा है a plus x है ना, b plus y, c plus z है ना, कुछ ऐसा है, और फिर इधर पे d e f g h i है। तो लेट मी टेल यू मित्रों अच्छा हमको तो डिटर्मिनेंट का साइन देना चाहिए ना। लेट मी टेल यू मित्रो व्हाट इज इट सर, सर वो ये बात, हमको आप लोग को ये बात बताना है कि ऐसा सिनेरियो में जब भी कुछ ऐसा हो मित्रों, तब आप लोग को करना क्या है, इसको दो पार्ट में बाइफर्केट करो, मतलब ए प्लस एक्स बी प्लस वाई सी प्लस जेड को दो पार्ट में काट दो, दो डिटर्मिनेंट में तोड़ दो। सर मतलब
समझाता है। इसका मतलब ये कि बीच में तो लगा दो प्लस, एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, बीच में लगा दो प्लस, लगा दिया, हाँ सर लगा दिया, अब जो बचा वो सब लिखो, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है ना। वैसे ही एक्स वाई जेड, अच्छा, और बाकी डी एफ और जी एच आई वैसा ही क्या सर, हाँ। तो दो डिटरमिनेंट तैयार हो गया आपका, दोनों 3x3 का ही है, दो डिटरमिनेंट आप लोग का तैयार हो गया। अच्छा, ये बात समझ में आया, लेकिन यहां पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग होता है आप लोग को, ये गलती करते हो आप लोग, और वो गलती के बारे में हम आप लोग को बताना चाहते हैं। सर ऐसा कौन सा गलती करता हम लोग, जरा बताइए हम लोग को। हम बोला रुको समझाता है, हम बोला रुक जाओ समझाता है, सुनना, बोलिए सर सुन रहे, बोलिए सर सुन रहे। देखो दोस्तों, इसको हम प्रॉपर्टी 5 नहीं बोलेगा, इसी प्रॉपर्टी को, यही मिसअंडरस्टूड प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी अभी हम बता रहे हैं ना, इसी में आप लोग मिसअंडरस्टैंडिंग कर जाते हो, जिसकी वजह से हमको क्लियर करना पड़ रहा है। सुनना ध्यान से, मान लो कुछ ऐसा है, लेट्स से A1 प्लस X1 है ना, A2 प्लस Y1, ठीक है, और A3 प्लस Z1, जगह थोड़ा और क्रिएट कीजिए सर, ओके क्रिएट करता है, A3 प्लस Z1, ठीक है, हाँ सर ठीक है। आगे चलते चलो, B1 प्लस U1, B2 प्लस V1 और B3 प्लस W1, ठीक है ना, वैसे ही C1 C2 C3, ठीक है, हाँ सर ठीक है, ये हो गया। अभी सर सुनिए कबाट को, हाँ सर सुनिए कबाट को, बोलिए सर सुन रहे। दोस्तों मेरे को आपको ये समझाना है ना, कि आप लोग इसको क्या करते हो मालूम है, नहीं सर आप बताओ, आप लोग इसको कर ये देते हो ना पूरी तरह से, कि आप लोग स्ट्रेट अवे ऐसा कुछ कर देते हो, हम जो अब लिखने वाला है वो गलत लिखने वाला है, बार बार बोल रहा है, ऐसा करना नहीं है जो हम लिख रहा है, ऐसे कर देते हो आप लोग कि भाई अच्छा बाइफर्केट ही तो करना है, सर ने कहा, तो देखो A1 B1 C1 और A2 B2 C2 और A3 B3 C3, आप लोग जो करते हो वो बता रहा है। अगर कोई नहीं करता ये गलती तो बहुत बढ़िया, X1 U1 C1 ये प्लस है, हाँ बीच में प्लस है, प्लस Y1 V1 ठीक है, C2 प्लस Z1 एक मिनट रुको, प्लस Z1 W1 C3। आप लोग में से काफी लोग ये भी रियलाइज नहीं करोगे कि सर गलती क्या है, आपने जैसे ब्रेक करने को कहा वही तो किया। हम क्या बोला था, हम बोला था कि एक ही रो या एक ही कॉलम को ब्रेक कर सकता है, तुम लोग दो दो को एक साथ ब्रेक कर दिया। देखो A1 प्लस X को ब्रेक कर सकता था, इधर A1 लिखा वेरी गुड, इधर X1 लिखा वेरी गुड, लेकिन फिर देखो इस रो में जब वापस आया तो वापस से B1 और U1 को भी तुम ब्रेक कर दिया, कैसे कर सकता है। अच्छा सर ये कॉलम पकड़ा हमने, अरे कैसे पकड़ा तुम कॉलम, क्योंकि तुम देखो A2 प्लस Y1 है, तुम इसको भी ब्रेक कर दिया। बोलने का मतलब ये है कि किसी भी एक रो या किसी एक कॉलम को आपने क्या क्या मालूम है, रो 1 को भी ब्रेक कर दिया, रो 2 को भी ब्रेक कर दिया, समझ रहे हो, हाँ सर समझ रहे हैं। ये गलत है, ये जो है गलत है, मतलब यू कैन ब्रेक अ रो इनटू टू डिटरमिनेंट्स बट टेक इट 1 at a time। सर मतलब सही क्या, आप जरा हमें सिंपली बताओगे, हम बोला हाँ बताता है। देखो सही ये है कि करो ब्रेक करो, बहुत अच्छा ब्रेक करो, लेकिन ब्रेक करने का तरीका क्या है वो ध्यान से देखो। वो तरीका ये है दोस्तों कि जब आप लोग लिखे A1 लिखा, A2 लिखा, A3 लिखा, बराबर, अब ये जो B1 प्लस U1 है इसको वैसे का वैसे ही लिखना पड़ेगा। ओ अच्छा, B3 प्लस W1 और C1 C2 और C3, ठीक है, हाँ सर। अभी सुनो ये प्लस वापस से एक और डिटरमिनेंट होगा ना साथ में इसके,
वो डिटर्मिनेंट क्या होगा, इसको इरेज कर दे रहा है, ये पूरा चीज का तो कोई काम है नहीं बगल में जो लिखा हुआ है। हाँ होल्ड ऑन, तो सर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अब बगल में ब्रेक करो वापस से, और जब दोबारा ब्रेक करोगे तो आप खाली फर्स्ट रो को ब्रेक किए ना, तो यानी कि x1 y1 z1 और फिर बाकी का वैसे u1 b2 प्लस v1 b3 b3 प्लस w1 c1 c2 c3, ठीक है ना? हाँ सर ठीक है, ऑल राइट। अब अगर आपको वापस ब्रेक करना है, सुनो सुनो, अब अगर वापस आपको ब्रेक करना है, बोलने का मतलब ये है कि अब इसको वापस से दो में ब्रेक करो, और अब आप सेकेंड रो को ब्रेक करो, इसको ब्रेक कर लो और इसको भी करो, तो टोटल आपका कितना डिटर्मिनेंट बनना चाहिए, चार डिटर्मिनेंट बनेगा, इसको ब्रेक करने का दो और इसको ब्रेक करने का दो, तो चार डिटर्मिनेंट होगा, दैट इज करेक्ट। जो ऊपर में लिखा था वो गलत है, समझ आया? हाँ सर समझ में आ गया, बात तो समझ में आ गया। बस अब दो प्रॉपर्टी है, चिंता ना करें, वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड, वी आर ऑलमोस्ट एट दी एंड। सर बात करिए सर, दोस्तों प्रॉपर्टी नंबर फाइव, प्रॉपर्टी नंबर फाइव क्या बोलता है सुनना ध्यान से। हाँ सर सुनना, सुन रहा है, बोलिए आप। ये प्रॉपर्टी वो बोलता है जो हम आप लोगों को पहले बताया था, मल्टीप्लीकेशन बाई ए स्केलर, मल्टीप्लीकेशन बाई ए कॉन्स्टेंट, मल्टीप्लीकेशन बाई ए कॉन्स्टेंट ऑफ एनी, हाँ ऑफ एनी रो और कॉलम विल रिजल्ट इन, सुनना यहां पे ये प्रॉपर्टी को, विल रिजल्ट इन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दैट कॉन्स्टेंट। सर कहना क्या चाहते हो, समझ में आएगा अभी, देखो 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 देखो, मान लो ये है, ठीक है ना, मान लो आप लोग, मान लो आप लोग कि लेट्स से यू हैव समथिंग लाइक 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, 9, 11, एक एग्जांपल लिया। ये रूल ये बोलता है कि अगर आप इसका वैल्यू निकालो, अगर आप इसका वैल्यू निकालो, अगर आप इसका वैल्यू निकालो, ठीक है, आप इसका वैल्यू निकालो, या फिर आप इसकी जगह, या फिर आप इसकी जगह ऐसा भी कर सकते हो कि जो पहला रो है उससे 2 कॉमन ले लो, क्या ले लो, 2 कॉमन ले लो पहले रो से। अगर आप पहले रो से 2 कॉमन ले लेते हो और फिर बाकी का डिटर्मिनेंट लिखते हो, तो यानी कि 1, क्योंकि 2 by 2 1 4 by 2 2 6 by 2 3, और बाकी वैसे का वैसे ही रहेगा 7 9 11। अब आप लोग को समझ में आया फर्क, मैट्रिसेस में क्या होता था, सारा कॉन्स्टेंट चाहे कोई भी रो कोई भी कॉलम हो सबसे वो कॉमन निकलता था, अभी खाली क्या है, अभी खाली एक रो या एक कॉलम से आपको कॉमन निकाल सकते हो। अच्छा तो सर बात दोनों सेम है, हाँ बिल्कुल, ये दोनों बात बिल्कुल सेम है। सर समझ में आ रहा है आपका बात, सर समझ में आ रहा है आपका बात, ठीक है ना, ओके सर ठीक है, आगे बात करो, आगे बात करो। प्रॉपर्टी सिक्स, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी, ठीक है ना, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी सिक्स क्या बोलता है अपने को कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज, सुनना, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट डज नॉट चेंज by adding to the elements of any row or column constant multiple of any other row or column। सर बात समझ में नहीं आया, सर बात समझ में नहीं आया, हम बोला अभी समझ में आएगा, रुको 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 रुको। इसका मतलब यह है कि मान लो कि अगर एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, लेट्स से एक डिटर्मिनेंट अपने को दिया हुआ है a 1
a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। तो बेसिकली ये प्रॉपर्टी या ये रूल क्या बोलता है अपने, ये प्रॉपर्टी या रूल अपने को बोलता है सिंपली स्पीकिंग कि भाई मान लो मेरे को सॉल्व करने के लिए अगर हमको चाहिए तो हम रो वन में रो थ्री का मल्टीपल ऐड कर सकते हैं किसी का किसी में भी, तो मतलब हम रो वन को चेंज कर सकते हैं। मान लो मेरे को रो वन चेंज करना है और कैसे चेंज करना है याद रखना, अगर रो वन चेंज करना है ना तो सबसे पहले रो वन ही लिखना पड़ेगा। तो आप एक तरह से लिख रहे हो नया रो वन इज इक्वल टू पुराना रो वन प्लस कोई भी एक कॉन्स्टेंट, मान लो के एक कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट मतलब एक नंबर, के इंटू रो थ्री। तो इसका मतलब नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, नया डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, रो वन क्या बन जाएगा ए वन प्लस के इंटू, ये के है तो के इंटू सी वन, यानी कि ए वन प्लस के सी वन, वैसे ही ए टू प्लस के सी टू, और वैसे ही ए थ्री प्लस के सी थ्री, ए सी ए थ्री प्लस के सी थ्री, और बाकी सब वैसे का वैसे ही बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री, बात खत्म। समझ आया, मतलब इस डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू इस डिटर्मिनेंट का भी आएगा। अच्छा, ये बहुत ज्यादा यूज होता है ये प्रॉपर्टी। अच्छा हाँ सर, ये बात है, सर ये बात है। चलो आओ एक क्वेश्चन करते हैं एंड देन वी वाइंड अप द प्रोसीडिंग्स, ठीक है ना। क्वेश्चंस करवाना तो बहुत है बट जो मोस्ट कॉमन है वो मेरे को करवाना है लुकिंग एट द टाइम दैट वी पोजेस। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट सुनिएगा, प्रूव दैट कैसे करेंगे सर आप बताइए। दोस्तों तरीका ये है कि प्रूव दैट क्वेश्चन है, ये है ना, तो वन 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 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर। ये वाला क्वेश्चन पिक करने के पीछे एक स्वार्थ है कि इससे हम आपको मल्टीपल प्रैक्टिस भी करवा पाएगा और मोस्ट कॉमन सम भी करवा पाएगा, ये प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है ना, ये प्रूफ करना है आप लोगों को, ठीक है ना। मेरा मेन पर्पस है आप लोगों को प्रॉपर्टीज यूज करना सिखाओ। अभी देखो हम कॉलम टू को पकड़ा, कोई भी पकड़ सकते हो आप लोग का जैसा मर्जी, आप लोग कॉलम वन को पकड़ सकते हो। हम क्या किया, कॉलम टू को चेंज कर रहा है, कॉलम टू माइनस कॉलम वन कर रहा है। हमेशा याद रखना कॉलम टू को चेंज करना है तो कॉलम टू ही पहले आएगा। वैसे ही हम कॉलम थ्री को भी चेंज कर रहे हैं, हम कॉलम थ्री से भी कॉलम वन माइनस कर रहा है। अब सर इससे फायदा क्या हुआ, इससे आपका फायदा क्या हुआ, देखो मेरा फायदा वन माइनस वन जीरो है। क्वेश्चन में ना कभी कभी लिखा रहेगा विदाउट एक्सपेंशन, देखो विदाउट एक्सपेंशन बोलने का मतलब ये नहीं है कि तुम एक्सपेंशन एकदम ही नहीं करेगा, इसका बोलने का मतलब ये है कि तुम एक्सपेंशन एकदम एंड में करेगा। कब करेगा, एकदम एंड में करेगा एक्सपेंशन को, मतलब पहले प्रॉपर्टी लगाओ। ओके, तो अब सर इससे आपका फायदा क्या हुआ, ये देखो मेरा फायदा क्या हुआ, देखो कॉलम वन तो हम चेंज किया ही नहीं, तो कॉलम वन को तो अपने लोग वैसे का वैसे ही लिख देगा, यानी कि वन ए ए स्क्वायर। अब बाकी चेंज करो, कॉलम टू माइनस कॉलम वन मतलब वन माइनस वन जीरो, बी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओ जीरो चाहिए था बस सिंपली स्पीकिंग। सी थ्री माइनस सी वन, वन माइनस वन जीरो, सी माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर। हाँ सर बराबर, सर बराबर बात, आगे बोलो सर आप, अब आगे बोलो सर आप बात। हम बोला कि देखो इसी चीज को क्या अपने ऐसे नहीं लिख सकता है, इसी चीज को क्या अपने ऐसे नहीं लिख सकता है, कैसे सर, कुछ इस तरह से वन वन जीरो जीरो ए बी माइनस ए सी माइनस ए और ए स्क्वायर अपना बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को हम बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकता है, फैक्टराइजेशन रूल। वैसे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। अब आप लोग अगर नोटिस कर रहे हो केयरफुली तो आप लोग क्लियरली देखोगे कि हम एक प्रॉपर्टी बताया था कॉमन लेने वाला, ठीक है, तो हम चाहे प्रॉपर्टी थ्री, तो हम कॉलम टू से बी माइनस ए कॉमन ले सकता है। फिर से बोल रहा है कॉलम टू से हम बी माइनस ए कॉमन ले सकता है सर, क्यों, देखो समझो क्यों, क्योंकि अगर आप जीरो से बी माइनस ए सरकाओगे, अच्छा पहले तो कॉलम वन वैसे का वैसे लिख दो वरना आप लोग परेशान हो जाओगे कॉलम वन को देख देख के। ये देखो कॉलम वन में कुछ नहीं करना है, नो एक्टिविटी, डेड जोन,
जीरो बी माइनस ए और बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए में तो बी माइनस ए कॉमन जाएगा भाई। सर सही कहते हो, ओ क्योंकि बताया था ना एक कॉलम से ले सकता है। अच्छा सर सेम लॉजिक, थर्ड कॉलम से भी हम क्या सी माइनस ए कॉलम नहीं कॉमन नहीं ले सकता? सर ले सकता है बकायदा, ये लो लो तो जीरो वन सी प्लस ए, बस देखो सम खत्म। सम खत्म क्यों? क्योंकि अब हम एक्सपेंड करेगा तो मेरे लिए मजाक होगा, और एक्सपेंड अलोंग क्या करेगा कोई बेवकूफी करके पूछना मत। ऑब्वियसली जहां पे मैक्सिमम जीरोस होगा रो वन, क्योंकि दो ठो तो जीरो ही है, तो उस पार्ट को तो सॉल्व ही नहीं करना है जहां जीरो है, क्योंकि स्ट्रेट अवे जीरो मल्टीप्लाई करके सब कुछ जीरो कर देगा। तो एक्सपेंडिंग अलोंग आर वन, बस लिख देना एक्सपेंडिंग अलोंग क्या कर रहा है। तो देखो ये जो बी माइनस ए और सी माइनस ए पहले से इसको पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं करना है, नथिंग डूइंग, बाकी सबका देखो। तो आपका बचा प्लस वन, वन इंटू दूसरा ब्रैकेट दो, वन इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई सी प्लस ए इंटू वन सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए इंटू वन, यानी कि माइनस बी प्लस ए, यानी कि माइनस बी माइनस ए, समझ में आ गया होगा। तो यानी कि क्या आया, बी माइनस ए सी माइनस ए और ए माइनस ए कट गया ना, हाँ सर। तो यानी कि आपके पास क्या बचा, सी माइनस बी, जो प्रूफ करना था कर दिया। सर बोलेंगे आप लोग a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए करना था, तो सर आपका b माइनस ए और c माइनस बी आया, ये तो ठीक आया आपका। अरे भाई तो b माइनस ए है, a माइनस बी करना, तो माइनस कॉमन ले ले, माइनस वन कॉमन ले ले, ले लिया, और c माइनस ए वैसे का वैसा है, और c माइनस बी को तेरे को b माइनस सी करना है, एक और माइनस कॉमन ले ले बाहर में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि एक माइनस इसके लिए एक माइनस उसके लिए, तो माइनस माइनस प्लस, हेंस प्रूफ। ये मेरा पर्पस था, सम्स बहुत सारे हैं सर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड ऑब्वियसली विल टेक इट अप इन द क्लास, तो और भी वैरायटी ऑफ सम्स अपने करेंगे। बाय बाय एवरीवन।